हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। संख्या बढ़ गई, रिकवरी कम हो रही थी, संख्या काफी बढ़ रही थी, लेकिन पिछले तीन दिनों से उस गति से तो नहीं, फिर भी कल हमारे 50 केस एकदम बढ़ गए जो थोड़ा चिंताजनक थे। कल तक की जो हमारी संख्या है 780 लोग कुल डिटेक्ट हुए, जिसमें 14 इटालियन लोग भी थे और उसके अंदर से 382 ये डिस्चार्ज हो गए हैं, 427 कल सायंकाल तक ये आंकड़ा के हमारे जो पॉजिटिव केस अंडर ट्रीटमेंट ये चल रहे हैं, 11 लोगों की मृत्यु हुई। तो ये हमारा मोटा आंकड़ा है। देखा जाए तो अभी भी आसपास के जो प्रांत हैं, चाहे दिल्ली है, राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इन सब प्रांतों से तो अभी भी हम एक ठीक स्थिति में है, लेकिन और स्थिति अच्छी रहे इसके लिए बराबर हमारे प्रयत्न चल रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए बहुत से जो प्रावधान किए वो सब अपने को मालूम है, आज उसके दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज तो अब ये जो लॉकडाउन 3 खत्म होगा और लॉकडाउन 4 की जैसी संभावना है, उस संभावना को देखते हुए कुछ ढिलाई, कुछ कंसेशंस ये दे करके और गतिविधियां शुरू करने की बात है। 15 तारीख तक सब प्रांतों को, सब मुख्यमंत्रियों को यह प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो अपनी अपनी रिपोर्ट बना करके भेजें, ताकि 16 और 17 में कुछ निर्णय लेकर के 18 तारीख से किस प्रकार की स्थिति रहेगी वो सब जानकारी हमको मिलेंगी। केंद्र के निर्देश मिलते हैं MHA के, उन निर्देशों के हिसाब से हमको अपने प्रदेश में और थोड़ा अदल बदल करना हो तो करके उसको हम फाइनल लागू करते हैं। इस समय सामान्य परिस्थितियां बन रही हैं, उद्योग में एक गतिविधि बढ़ी है और हमारे उद्योग प्राय जितने भी कर्मचारी, जितने उन्होंने पास लेने थे, जितने वर्कर्स थे, वो सब हमने 3-4 क्षेत्रों को जो कंटेनमेंट एरिया है उसको छोड़ करके बाकी सब क्षेत्रों के अंदर हमने परमिशन दी है, चाहे वो उद्योग में लगे हुए, चाहे हमारी जो संस्थाएं हैं या बाजार हैं, जिन लोगों ने परमिशन ली है हमसे, 25 लाख लोगों को परमिशन दी जा चुकी है पास लेकर के अपने काम को चालू करें। इसलिए सामान्य गतिविधियां चालू हुई हैं और इसमें जो एक बड़ा विषय कोरोना का इलाज लोगों का, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये तो सब है ही है, लेकिन उसके साथ जो बड़ा कठिनाई का विषय था कि लेबर ने प्लान करना शुरू किया और उस प्लान करने वालों की व्यवस्था करना, ये भी हमारे लिए जरूरी था। हमने अभी तक 19 ट्रेन और लगभग 2000 बसें, इसमें लगभग 1 लाख लोगों को, 28 ट्रेन चली गई हैं अभी तक, तो 28 ट्रेन और 2000 बसें, ये लगभग 1 लाख से ऊपर लोग ये भेजे जा चुके हैं व्यवस्था के माध्यम से। अपने आप जो लोग गए हैं उनकी संख्या इससे अतिरिक्त है, लेकिन फिर भी अभी कुछ संख्या ऐसी है कि जो जाने के लिए अभी भी लालायत है, उसके लिए लगातार ट्रेन की, बसों की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन ये सब सामने जिस स्टेट में लोग जाने होते हैं उनकी सहमति के साथ भेजना पड़ता है, उसके बिना भेज नहीं सकते हैं, ये वन साइडेड नहीं होता, बल्कि म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग जब कर लेते हैं तब उनको भेजा जाता है, तो उस काम में हम लगे हैं। इस सारे कार्यक्रम में एक विषय प्रधानमंत्री जी ने कल जो देश को संबोधित किया और देश की जनता को संबोधित करने में उन्होंने एक विश्वास प्रकट किया, और हम सबका भी विश्वास उनमें है ही है कि हम अपनी इन परिस्थितियों को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, इस कोरोना की लड़ाई में मुकाबला करके कैसे इसको पार पा सकते हैं। कल उन्होंने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, इसमें से लगभग 2 लाख करोड़ का पैकेज तो पहले से ही जो उन्होंने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बताया था उसको जोड़ करके ये सब 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बनने वाला है। उसी क्रम में आज हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत सी घोषणाएं की हैं, आप सब लोगों ने उसको सुना ही होगा। उसमें मुख्य रूप से आज जो जिन बातों पर फोकस था वो था जो छोटा उद्योग है हमारा, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, MSMEs, ये जो उद्योग है, इस उद्योग में क्योंकि बहुत बड़ी संख्या वर्कर्स की, मजदूरों की इसमें लगती है और बहुत जनता इसके ऊपर उनकी आजीविका निर्भर है, तो इसको बड़ा पैकेज दे करके, और उन्होंने जो योजनाएं बताई हमको, जैसा उन्होंने सीधा सीधा
3,00,000 करोड़ रुपए का तो कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक बिजनेस और ऑटोमेटिक लोन्स, ये जो उन्होंने एमएसएमई के लिए घोषणा किया है, और इसमें भी अगले 12 महीने तक उन लोन्स का मॉरिटोरियम रहेगा, कोई उनको रिफंड नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद 4 साल तक का ये लोन होगा, इसके बाद ही उनको अपनी वापसी लोन की ये करनी होगी। मैं समझता हूं एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा ये पग है जो उठाया गया है। इसी में कुछ एमएसएमई को स्ट्रेस्ड कैटेगरी में रखा गया है कि बहुत दबाव में आकर के उनके सारे सिस्टम, बहुत छोटा जिनका सिस्टम होता है, वो अपनी सारी पूंजी को भी शायद खर्च चुके होंगे या कोई ना कोई दबाव में होंगे, तो उनके लिए अलग से कोई एक कैटेगरी बना करके 20,000 करोड़ रुपया उनके लिए अलग से रखा गया है, जिसमें 2,00,000 एमएसएमई इसको, इनको सबको लाभ मिलेगा। साथ ही जो ऐसी एमएसएमई हैं जिनका पोटेंशियल ग्रोथ का बहुत अधिक है और वायबल हैं, जिनको गति से आगे बढ़ाया जा सकता है, उनका स्पेशल पैकेज एक 50,000 करोड़ रुपए का ये अलग से भी एक जारी किया गया है। तो मुझे लगता है कि कई प्रकार की जो कैटेगरीज बनाई हैं वो सब जानकारी आपको है ही है। एक बड़ा जो महत्व का विषय है कि एमएसएमई का जो कैटेगरीज हैं उनका जो चेंज किया गया है, उनका प्रकार चेंज किया गया, उनका साइज जो बदला गया है, माइक्रो जो पहले 25,00,000 रुपए तक इन्वेस्टमेंट थी, अब वो माइक्रो की 25,00,000 रुपए से कम की जो इन्वेस्टमेंट है उसको माइक्रो, पहले कितना था, अब उसको 1 करोड़ कर दिया गया है। और इसी प्रकार से स्मॉल, पहले 5 करोड़ रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट थी, अब वो 10 करोड़ कर दिया। मीडियम 10 करोड़ से कम थी, उसको 20 करोड़ रुपया कर दिया है। इसी प्रकार इनकी जो सेवाएं हैं उसका भी कितना इतना टर्नओवर है, उस टर्नओवर को भी बदला गया है। अर्थात पहले जो इनके साइज थे, जो लिमिट्स थी, उस लिमिट्स को बढ़ा करके डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। एक इससे और महत्वपूर्ण बात जो की गई है कि 200 करोड़ रुपए तक की जितने भी टेंडर्स हैं वो सब अब ग्लोबल टेंडर ना होकर के केवल नेशनल टेंडर ही होंगे, ताकि 200 करोड़ रुपए तक के सामान को हम अपने देश की ही कंपनियों से खरीदें। इसमें ग्लोबल टेंडर्स को एक प्रकार से प्रोहिबिट किया गया है। इसके अंदर जैसे कल उन्होंने कहा था, लोकल और वोकल, अर्थात मेक इन इंडिया, इसके ऊपर जोर देने का एक बहुत बड़ा एक ये प्रावधान किया गया है। इसी में से हमें लगता है कि अपना भारत ही आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भरता अगर हो जाती है हमारी तो हम विश्व की एक शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं। ये एक बहुत एक बड़ा इसमें काम किया गया है। एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में भी, उसको ई मार्केट लिंकेज, ये विषय भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिर मजदूरों के लिए ईपीएफ की योजनाएं भी बताई हैं कि वो ईपीएफ 10% 12% की बजाय 10%, और कुछ लोगों के लिए तो अभी 3 महीने के लिए एग्जम्प्ट भी किया है कि 3 महीने के लिए एग्जम्प्ट करके और ईपीएफ को उनको नहीं भरना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों की भी योजनाएं हैं। एनबीएफसी अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनका भी हालांकि प्रदेश से सरकार का इसमें कोई बहुत बड़ा महत्व योगदान नहीं है, ना उसमें कोई गतिविधि है, ये केंद्रीय स्तर के ऊपर ही सब होने वाली है। डिस्कॉम्स हमारी बिजली कंपनियां, क्योंकि जितना भी एंटरप्रेन्योरशिप है वो सब बंद होने के कारण से एक बहुत बड़ा लोड डिस्कॉम्स के ऊपर पड़ रहा था। हमने उसमें छूट भी दी है कुछ एमएसएमई को कि जो फिक्स चार्जेस हैं 25% हमने उसके माफ किए हैं, और बिल्स भी अब लगभग 3 महीने के बिलों की पेमेंट वो हो नहीं रही है। एक अच्छा कदम है केंद्र सरकार की ओर से कि उनको उनकी व्यवस्था को ठीक बनाए रखा जाए। तो 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी ये डिस्कॉम्स की बनेगी, ताकि डिस्कॉम्स भी अपना काम ठीक से गति से चलाते रहें, ये एक विषय। कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलीफ दिया गया है, ये हम पहले भी हरियाणा में कर चुके हैं कि 3 महीने के लिए उनका जो टाइम पीरियड है उसको हमने 0 पीरियड कर दिया था, कि जिस भी किसी की टाइम लिमिट इस कोरोना पीरियड में आ रही है तो उसको जीरो टाइम मान करके, जीरो टाइम लिमिट, उतने ही दिन जितने दिन कोरोना में उनका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होगा उसको उतने दिन के लिए कोरोना के बाद ये बढ़ा दिया जाएगा, ताकि उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। रियल एस्टेट के लिए भी कुछ रेरा में रजिस्ट्रेशन की छूट दी गई है। टीडीएस
टीसीएस रेट इनमें रिडक्शन की गई है, डायरेक्ट टैक्स मैयर और जो हमारी रिटर्न भरने की तिथियां हैं वो भी बढ़ाई गई हैं, ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो कि उसको टाइमली रिटर्न अपनी भरने में जो कठिनाई है उसमें भी कहीं 2 महीने कहीं 3 महीने का ये एक डेट को एक्सटेंड किया गया है। और मैं समझता हूं आज तो केवल पहला दिन था इस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में घोषणा का, अभी 2 दिन लगातार और होना है। इसमें काफी ऐसे सेक्टर्स कैसे कैटेगरीज बच गई हैं जिन कैटेगरीज के लिए कल में और परसों में कुछ और घोषणाएं होंगी, वो भी अपने सामने आएंगी। मित्रों 5.5 लाख करोड़ रुपए का आज तक हुआ है, टोटल 20 लाख होना है, ठीक हमारे वित्त सचिव जी बता रहे हैं। तो इस नाते से हम लोगों ने बहुत से ऐसे प्रदेशों के साथ जब अपने प्रदेश की तुलना की, बहुत से वीडियो भी देख रहे हैं कि बाहर जा करके जो लोग यहां से माइग्रेट करके मजदूर गए हैं, वर्कर गए हैं, तो उन लोगों ने वहां जाकर के हरियाणा का जो बखान किया है वो काफी सुखद है कि हम बहुत सी व्यवस्थाएं अपने यहां गरीब लोगों को, मजदूरों को जो आर्थिक सहायता देनी थी, जो उनको भोजन के लिए पैकेट, राशन पैकेट ये सब देने थे, ठीक प्रकार से हम चिन्हित कर पाए। यहां एक उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कल अपने उसमें भाषण में कहा कि हमको अपने रिफॉर्म्स कुछ करने होंगे, आज समय के हिसाब से जैसा अभी कितना लंबा चलता है, हमको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आज टेक्नोलॉजी का सहारा ये बहुत जरूरी हो गया है। हम जैसे हम मानो आज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के सहारे के कारण से ही कर रहे हैं, इसी प्रकार समाज में भी सब व्यवस्थाएं टेक्नोलॉजी के कारण से हमको ठीक करनी पड़ेंगी। हालांकि हमारा विश्वास तो पिछले 5 साल में भी लगातार ये बना रहा कि हम जितनी टेक्नोलॉजी से व्यवस्थाएं बना लेंगे उतना भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, पारदर्शिता आएगी और उतना ही एक समान रूप से हर किसी को व्यवहार मिलेगा, भेदभाव नहीं होगा। चाहे हमारी भर्तियां थी, चाहे हमारे ट्रांसफर्स थे, चाहे और प्रकार के नीचे तक की सारी बातें। अभी इस 6 महीने हो गए, अब तो इस 6 महीने में 2 महीने का कोरोना का पीरियड इसमें आ गया, हमने टेक्नोलॉजी का बहुत सारा लिया। हमारी जितनी टेक्नोलॉजी की व्यवस्थाएं थी उसी के अंदर हमने जो प्रोक्योरमेंट है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमारा साल भर से चल रहा था, इसमें भी सुधार करके और इस बार सारी फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल के माध्यम से किया गया। हमने नीचे गरीब आदमियों को सहायता पहुंचाने का काम, यानी जितनी एक एक व्यक्ति की पहचान करके लोकल कमेटीज हमने बनाई, 20,000 ऐसी लोकल कमेटीज के सर्वे के माध्यम से हमें जानकारी मिलती थी कि इस घर में राशन की आवश्यकता है, इस घर में इसका कार्ड नहीं बना हुआ तो इसको डिस्ट्रेस राशन टोकन देना होगा हमको, या पैसे पहुंचाने होंगे, ये गरीब आदमी है इसका काम रुक गया है। तो सारी जानकारियां लेकर के और जो पहले से हमारे पास जानकारियां थी, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, परिवार पहचान पत्र, ये सब बनाकर, और आपकी जानकारी के लिए हमने 16,20,000 लोगों तक इस समय तक 3,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक की राशि पहुंचाई है। इसमें और एक 4-5 लाख लोग हैं जिनका अभी प्रोसेस में चल रहा है, उनको भी ये सारी योजनाएं इसका लाभ पहुंचेगा, अर्थात ये 20 लाख से ऊपर। कोई सामान्य अगर स्थिति होती तो इन सामान्य स्थितियों में 20 लाख लोगों तक पहुंच नहीं बना पाते, और बनती भी तो पता नहीं कितना इसमें घोष्ट बेनिफिशियरी होते, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस बार ठीक पात्र व्यक्ति को, जो डिजर्व करता है, उसी को उसकी सहायता पहुंची है, ये हमको पूरा विश्वास है। इसलिए हमने इसके अंदर जो राशि खर्च की है 619 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं, और ये 619 करोड़ रुपया इस प्रदेश में सीधा सीधा ऑनलाइन ट्रांसफर करना इस 2 महीने में एक बहुत बड़ी बात है। इसको हम आगे भी चालू रखेंगे इन व्यवस्थाओं को, और हमारा परिवार पहचान पत्र का जो प्रोजेक्ट है वो जब पूरा होगा तो इसके बहुत सारे लाभ ये जनता को, गरीब जनता को ही होने वाले हैं। सरकार की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता आएगी और जहां कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है उसको भी हम इसको समाप्त कर पाएंगे। हमने इसी प्रकार से जो हमारा डिजिटलाइजेशन का कार्यक्रम था उसके अंदर बहुत हमने जो मैंने ट्रांसफर का विषय बता दिया, पीडीएस का सिस्टम ये भी इसी में से निकाला कि पात्र व्यक्ति को ही राशन मिले, राशन नहीं ले पाएगा तो अगले महीने भी उसको राशन मिल सकता है। अभी कोरोना के समय ई पास सिस्टम ये भी हमने डिजिटलाइजेशन में से किया कि कोई भी आदमी अप्लाई करता है, जो कंडीशंस उसकी हैं उस हिसाब से उसको ई पास मिल जाता है, उसको किसी ऑफिस में जाकर के कहीं और पास नहीं लेना पड़ता है, उसको पास वही मिल जाता है। सारी चीजें अब केंद्र सरकार के लेवल पर भी कितने ही
डिजिटलाइजेशन का उपयोग करके हम लोगों ने काम किया। अगर और कुछ नहीं तो हम ये आरोग्य ऐप के ऊपर जाए, एक प्रकार से ये भी डिजिटलाइजेशन का ही एक नमूना है कि आज करोड़ों लोग ये जो ऐप है हमारी आरोग्य सेतु ऐप इसको लोड किया है। इसका लाभ कितना हुआ कि हमको पता लग जाता है 500 मीटर के दायरे में क्या कोई ऐसा तो नहीं कि जो पीड़ित व्यक्ति जो पॉजिटिव हो, या 1 किलोमीटर के अंदर कितने हैं, 2 किलोमीटर के अंदर कितने हैं। हर व्यक्ति अपनी जगह पर अपने दायरे को एक सुरक्षित चक्र के रूप में वो देख सकता है। टोल फ्री नंबर हमारे जितने कंट्रोल रूम है, प्रतिदिन जितनी हमारे पास आज भी लगभग 8 से 10 हजार कॉल ऐसी आती हैं जो हर दिन जिसको कौन सी तकलीफ है, पीड़ा है, वो सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज पहुंचती हैं। एक एक व्यक्ति को फोन करके पूछा जाता है कि आपकी जो तकलीफ हो दूर हुई कि नहीं हुई। इस प्रकार से ये सारे ऑनलाइन सब सिस्टम चल रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो प्रयत्न हमने पिछले 5 साल किए उन प्रयत्नों का लाभ हमको भरपूर इस कोरोना के समय हुआ है, और इसके लाभ को देखते हुए आगे भी ये सब चीजें इनको हम चालू रखेंगे। एक विषय जो है वो है हमारे किसान से जुड़ा कि हम लोग जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर बहुत सी चर्चाएं मीडिया में चल रही हैं, सोशल मीडिया में चल रही हैं। विपक्ष के लोग बहुत अपने आप को ये मान करके कि जैसे बहुत बड़ा एक विषय उनके हाथ लगा हो, जब उनके पास किसी प्रकार का मुद्दा नहीं होता तो कोई ना कोई निकाल करके लाएंगे, उसी में से उनको लगता है कि बहुत बड़ी चीज हमको ये मिल गई है। हालांकि वो अपनी बातें उस समय की भूल जाते हैं जब गेहूं या सरसों या बाजरा, ये चीजें गेहूं तो चलो खरीदते ही थे क्योंकि FCI में सारा जाना होता है, उन्होंने बाजरा और गेहूं कभी खरीदा नहीं। हमने बाजरा गेहूं ये सब खरीदा, और अगले बार के लिए हमने ये भी घोषणा की है कि मक्का दालें ये भी सब जितनी पैदा होंगी इन सबको हम एक एक दाना प्रोक्योर करेंगे। MSP से रेट अगर मार्केट रेट ऊपर है तो अपने आप मार्केट में बिकेगा, नीचे है तो सरकार उसका प्रबंध करेगी खरीदने का, और हम ये जो घाटा होता है भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत ये किसान को घाटा नहीं होने देंगे, सारा खरीदेंगे। जहां तक इस बार जिस बात को वो मुद्दा कहते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग गया, वो है किसान की पेमेंट देरी से क्यों हो रही है। मैं मानता हूं कि जितनी घोषणाएं हमने पहले की थी, किसान का जो पेमेंट है वो समय से होना चाहिए। समय से न होने के उसके जो कारण है, मुख्य कारण ये है कि इस बार आढ़ती सरकार, किसान और जो कोरोना भी साथ में जुड़ गया, कोरोना के कारण से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट प्लेसेस, मंडियां, परचेज सेंटर ये ज्यादा बनाना, इन सारे विषयों को लेकर के कुछ समय ज्यादा इसलिए लगा कि हमने एक प्रोसेस जो बनाई है किसान के लिए पेमेंट देने की, कि जितना पैसा किसान का है मंडी में जाकर जितना उसको आढ़ती को देना है उसका माल बेचते हुए अपना एक कंसेंट दे दे कि ये मैंने किसान को आढ़ती को पैसा देना है मंडी में अपनी फसल बेच करके, और आढ़ती वो पैसा उतना रोक लेगा, बाकी पैसा वो किसान के खाते में सीधा डालेगा। इसमें हमारे आढ़ती बंधुओं का थोड़ा सा विरोध भी था, लेकिन हमने उनसे बातचीत करके उनको मनाया। बैंकों से प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस कैसे बन सके, इसके लिए भी उनको मनाने में हमको थोड़ा समय लगा, देरी लगी, क्योंकि बैंकों का भी थोड़ा रेसिस्टेंस उसमें था। लेकिन अंत में ये सारी प्रोसेस अब तय हो गई है कि माल बिकता है, बिकने के बाद एजेंसी जो है जे फार्म आई फार्म बनने के बाद एजेंसी उनको पैसा जो है भेजती हैं, और किस आड़ती अपना पैसा काट करके और वापस वो पैसा हमारा एक अकाउंट है, क्या ज्वाइंट अकाउंट, पूल अकाउंट में भेजता है, और पूल अकाउंट से वो पैसा किसान के खाते में जाता है। ये सारी प्रोसेस 7 दिन से 8 दिन के बीच में होना चाहिए, लेकिन प्रोसेस को बनाने में समय लगा। इसलिए बनाने में समय लगने के कारण से पहला जो पेमेंट का लॉट है वो थोड़ा देर से गया है। आज की डेट में लगभग 2000 करोड़ रुपया ये पूल अकाउंट में जा चुका है, और आज सायंकाल तक वो 2000 करोड़ रुपया कुछ उसमें से चला गया है, लगभग 700 करोड़ रुपया चला गया है, बाकी जो पैसा है वो आज सायंकाल तक फार्मर्स के अकाउंट में ये चला जाएगा। और ऐसे ही आज 5 तारीख तक की सारी पेमेंट ये सब आढ़तियों के खाते में चली जाएगी, जो लगभग 3900 करोड़ रुपया होगी। 3900 करोड़ रुपया और जाने के बाद और 2000 करोड़ रुपया पिछला, 5900 करोड़ रुपया आज शाम तक आढ़तियों के अकाउंट में चला जाएगा,
और ये अगले दो दिन में तीन दिन में सब किसानों के खाते में चला जाएगा। अगले 5 तारीख के बाद तीन तीन दिन का पैसा हर एक दिन में बढ़ेगा, ताकि हम चूंकि फसल आने के बाद उसके 3 दिन बाद आई फार्म बनता है, आई फार्म कटते ही उसी दिन वो पैसा हमारे यहां से आड़ती को जाएगा, आड़ती को 3 दिन में पैसा ट्रांसफर करना होता है, तो ऐसे 2 दिन का समय और उसमें लगता है। कुल मिलाकर 5 दिन 6 दिन के अंदर ये किसान के खाते में जाना शुरू हो जाएगा। जहां तक गेहूं के पैसे का विषय है और जहां तक सरसों का है, सरसों का पूरा पैसा क्योंकि वो आड़ती के थ्रू नहीं होता, सीधा हैफेड किसान के अकाउंट में देती है, तो लगभग 1150-1200 करोड़ रुपया ये हैफेड के अकाउंट से किसानों के अकाउंट में जा चुका है। इसलिए ये सारा ट्रांसपेरेंट व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि पहले इतनी ट्रांसपेरेंसी कभी होती नहीं थी, पैसा वो आड़ती के खाते में रह गया या किसान को पहुंचा या कहीं और किसी जगह वो पेंडिंग रह गया, इसका कोई हिसाब होता नहीं था। किसान को हमने अगर डबल आय करनी है, डबल आय यानी 2022 तक उसकी आय को अगर डबल करना है, तो बहुत चाहे छोटी चीजें हैं चाहे बड़ी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। किसान के खर्चे कैसे कम किए जाए, और ये एक ऐसा अनसीन खर्चा किसान के ऊपर होता है जो किसान को भी पता नहीं लगता कि कहाँ रह गया, कितना ब्याज लग गया, कितना उसके ऊपर आ गया। ये सारे विषय किसान को हमको जागरूक भी करना पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, और किसान को जागरूक करने के लिए हमारा कुछ एजेंडा आगे और 1-2 महीने बाद हम लागू करेंगे, ताकि किसान के साथ सजीव संपर्क बना करके और एक ही किसान को बताया जाए। क्योंकि कई विषय ऐसे जो शायद वर्तमान काल के लिए तो नहीं है, लंबे काल के लिए, उदाहरण के लिए हमने अभी एक योजना शुरू की है, मेरा पानी मेरी वसीयत, अर्थात मेरी विरासत, अर्थात मेरा जो पानी है ये जमीन के अंदर का पानी ये मेरा है, और जमीन को मैं जब अपने नई पीढ़ी को दे करके जाऊंगा अपना विरासत के नाते, तो बिना पानी के जमीन दे जाऊंगा तो मुझे आने वाली पीढ़ियां गालियां देगी, इसलिए मुझे पानी के साथ उसको दे के जाना है। सो धान जो है 1 किलो चावल लगभग 3000 लीटर पानी ये पीता है, हमारी धान की जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा धान हमारे पास है। इसलिए हमने अपील की है कि जहां 40 मीटर से नीचे पानी चला गया है वहां किसानों को कहा है कि अपने धान की बिजाई आधी कर दें, ताकि हम इसको पानी को बचा सकें और हम अपने उस उद्देश्य में पूरा हो सके, पानी बचाने के उद्देश्य में। केंद्र की बहुत योजनाएं चल रही हैं, जल जीवन मिशन की चल रही है, जल ही जीवन है ये मिशन चल रहा है, हमने भी इसको एक मिशन के रूप में इसको लिया है, किसानों को हमने अपील की है। कठिनाइयां कोई किसानों की आएंगी उनके हम दूर करेंगे, क्योंकि पहली बार ये विषय हो रहा है तो कुछ कठिनाइयां भी आ सकती हैं। ऐसे ये सब विषय हमारे सामने थे जो आज आपके सामने रखने थे, फिर भी चूंकि कुछ बंधुओं ने कुछ प्रश्नों के लिए कहा है, तो आप लोगों में से कुछ हमारे जो मीडिया एडवाइजर, कौन कौन ले रहे हैं प्रश्न? हाँ हाँ, प्रश्न पहला प्रश्न अनुराग जी से है, तो अनुराग जी बताएंगे क्या प्रश्न है, ताकि उस हिसाब से बात को आगे बढ़ा सके। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। जी नमस्कार मुख्यमंत्री जी, हरियाणा अब लॉकडाउन के 4th चरण में प्रवेश करने को तैयार है जी। पिछले 3 चरणों में आपकी सरकार ने जिस तरह से कोरोना महामारी पर काबू पाया जी, सबसे पहले तो आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। गेहूँ व सरसों की खरीद की चुनौती रही आपके सामने, औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने के बीच आपने अचानक मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की, विपक्ष ने इसका विरोध भी किया, इस योजना को शुरू करने के पीछे आपकी क्या सोच रही, और दूसरा विपक्ष का विरोध करने के पीछे क्या सोच रही? इसी से थोड़ा एक सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, उससे हरियाणा के छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को किस तरह से राहत मिल सकेगी? जी सर, देखिए जहां तक पानी का विषय है अनुराग जी, ये पानी वाला विषय कोई आज का नहीं है, हरियाणा जब से बना तब से ही विषय चल रहा है, और खास करके अब लेटेस्ट एसओएल के रूप में ये विषय प्रेसिडेंट करता जा रहा है। एसओएल का पानी हमको मिले, हम पंजाब से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम केंद्र को भी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, कई इसमें विषय इन्वॉल्व थे, और इस विषय को पूरा करने के लिए हमने अपना पूरा जोर लगाया है, एक सीमा तक पहुंचा, कब आएगा कब नहीं आएगा। साथ ही हमने लखवार डैम, किसाऊ डैम, रेणुका डैम, इसके लिए भी अपने प्रयत्न लगा करके, ये भी लगभग 35 साल से लटका हुआ विषय,
इसको हम फ्रंट पर लाए, इसके लिए एमओयू हो गए और लखवार पर तो काम भी शुरू हो गया, हमने अपने पैसे दे दिए, आने वाले 2 साल के बाद 3 साल के बाद पानी वो भी मिलेगा। ऐसे ही जो भी पानी के स्रोत हो सकते हैं, हमने पानी का उपयोग कम करने के लिए माइक्रो इरीगेशन, इसके लिए भी हमने अपना काम चालू किया, 85% सब्सिडी तक प्रावधान किया है माइक्रो इरीगेशन का। लेकिन जिस प्रकार से आवश्यकता बढ़ रही है पानी की आवश्यकता पीने के लिए भी है, खेती के इरीगेशन के लिए भी है, इंडस्ट्री के लिए भी है, पानी की उपयोगिता बहुत ज्यादा है, मात्रा सीमित है, तो सीमित मात्रा के पानी को उपयोग उसका ठीक ढंग से किया जाए, मैनेज तरीके से किया जाए, उसी मैनेजमेंट में से ये विचार पिछले साल भी आया था और पिछले साल भी हमने जल ही जीवन है इस योजना को शुरू किया था। 52,000 हेक्टेयर ऐसे किसानों ने वादा किया था कि हम नहीं बोएंगे अपना धान, लेकिन कारण सीधा सा हमको पता है कि पिछली बार ये योजना हमने जून के महीने में बनाई थी, लगभग 15 जून के आसपास, लेकिन 15 जून के आसपास धान की बिजाई कुछ लोग कर चुके होते हैं, कुछ लोग अपना मन बना चुके होते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में इच्छा सबकी बनी थी, लेकिन उसको सिरे चढ़ाना हमारे लिए भी कठिन हो गया था, ठीक से बढ़िया बीज जितना जाना चाहिए था वो नहीं जा पाया था, कुछ कठिनाइयां डिपार्टमेंट की ओर से आई थी। इस बार हमने इसको मई में ही शुरू कर दिया है और 7 मई को इसकी घोषणा कर दी थी, और इसमें पंचायती जो जमीनें हैं उसके ऊपर भी धान न उगाया जाए, ये हमने अपनी ओर से सरकार की ओर से भी पहल की है। बहुत लोगों ने कहा कि इससे हमारी पंचायत की आमदन कम होगी, विषय आमदन का नहीं है, विषय उद्देश्य का है। किसान को भी हमने कहा है इसको पैसे से ना जोड़ें, इसको एक उद्देश्य के साथ जोड़ें कि क्या हमने अपनी पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को जमीन के साथ धान दे के जाएंगे या जमीन के साथ पानी दे के जाएंगे। हर कोई कहता है कि जमीन के साथ पानी देना हमारे लिए बेहतर है। हाँ, इसमें कुछ टीजिंग प्रॉब्लम आएंगी, शुरू में आती हैं, इसलिए जो प्रॉब्लम आएंगी उनको सबको हम दूर करेंगे, ये विचार हमारे सामने इसलिए है। विपक्ष विरोध करेगा, 10 तरह की बातें उनको लगता है कि ये नई बात कहां से आ गई, वो तो अपने जीवन में कभी कर नहीं सके। पानी का लेवल जो 2008-10 में था, आज उससे डबल, यानी उसकी जो गहराई है, उसका डेप्थ है, वो बढ़ गई है। जहां 10 मीटर था वहां 20 मीटर डाउन हो गया, जहां 20 मीटर था वहां 40 मीटर डाउन हो गया। इसी गति से अगर बढ़ता रहा तो आने वाले 10-12 वर्षों के बाद हमारी अगली पीढ़ी आएगी कि नहीं आएगी, उससे पहले ही हम अगली पीढ़ी से पहले ही इस पानी के संकट को देख लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इस बात को, इस विषय को भावनात्मक तरीके से हम देखें, तभी जाकर के इसको सिरे चढ़ा पाएंगे, ये विषय हमें ध्यान में करना है। दूसरा विषय आपने कहा हरियाणा को क्या लाभ मिलेगा, एमएसएमई से क्या लाभ मिलेगा 20 लाख करोड़ रुपए का। पहली बात तो है कि उसका आज पहला चरण उसकी घोषणा हुई है, अभी 2 चरण उसके शेष हैं, और उसमें जो कुछ बताया गया कि 3 लाख करोड़ रुपया जो कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा, इसमें कुल तो 45 लाख यूनिट है, हरियाणा में 50,000 यूनिट है, तो अगर हम ये कहें कि कुल यूनिट का अगर 45 लाख का मतलब 1% भी अगर मिलता है हमें, तो 1% का अगर 20 लाख, 3 लाख करोड़ रुपए में 30,000 करोड़ तो हमको मिल ही जाएगा, 3 लाख में 3,000 करोड़ रुपया तो हमको मिल ही जाएगा। तो 3,000 करोड़ रुपया अगर हरियाणा में इन्फ्यूज होता है इसके माध्यम से, एक मोटा मोटा हिसाब है, आखिर तो ये डिपेंड करता है कि कितने लोग उस लोन को अवेल करते हैं, कितने आते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कोलेट्रल नहीं, कोई उसके लिए गारंटी नहीं, 1 साल के लिए उसके मोरेटोरियम है, आगे 3 साल में उसको वापस करना होगा, तो हमारे 50,000 यूनिट को इसका लाभ होगा। ऐसे ही जो इक्विटी इन्फ्यूजन का जो विषय है, उसमें भी 50,000 करोड़ रुपए का जो उसमें इन्फ्यूजन किया जाएगा, 3,000 एमएसएमई को इसमें भी लाभ मिलेगा। और जो 20,000 करोड़ रुपए के सबॉर्डिनेट डेट का विषय है, इसमें भी हरियाणा के 5,000 स्ट्रेस्ड एमएसएमई इसको लाभ मिलने वाला है। इसलिए निश्चित रूप से इसका जो पोर्शन हमें जो मिलने वाला है, उसका लाभ हमें होगा, कितने लोग अवेल करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। चलिए मुकेश जी। जी नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी। ये जो सर सारी कवायद चल रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना का कहर है, उसको लेकर ही हम ये सारी प्लानिंग करते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, अलग अलग उसके फेजेज आ रहे हैं। अब जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो चौथा लॉकडाउन होगा उसका अलग रंग होगा, अलग रूप होगा,
तो उसको जहां तक हमें समझ में आ रही है कि अब अधिकतर चीजों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज वित्त मंत्री ने भी इस ओर संकेत दे दिए हैं। तो आपको लगता है आपके अनुभव के अनुसार कि कोरोना काल में जिस तरीके से हमने 130 लोगों का ध्यान रखते हुए, उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए, उनके जीवन का ध्यान रखते हुए सब कुछ लॉकडाउन कर दिया था, तो क्या ये सही समय कि लॉकडाउन में ढील दे दी जाए? क्योंकि संक्रमण काल अभी जारी है, फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने पिछले इतने दिनों में प्रयास किए वो सभी प्रयास हमारे इस संक्रमण के काल में धरे के धरे रह जाएं और जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। देखिए मुकेश जी, ये जो कोरोना का एक बीमारी है ये एपिडेमिक है इन नेचर, यानी जिसको छूत की बीमारी कहते हैं, और ये जहां फैलती है वहीं इसका प्रभाव ज्यादा होता है। ये बीमारी बहुत अपने आप दूर तक नहीं जाती है, इसलिए अब ये सारे विषय जैसे ध्यान में आए हैं, जहां जहां कुछ लोग मिलते हैं वहीं उसके आसपास के लोग ही ज्यादा मिलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे भी 4 जिले इससे प्रभावित हो गए, गुरुग्राम है, झज्जर है, अपना सोनीपत है और फरीदाबाद है। अगर इन जिलों में भी देखेंगे तो पूरे जिले में प्रभावित प्रभाव नहीं है, उसमें भी कुछ इलाके, कुछ बस्तियां, और इसको यदि वहीं तक कंट्रोल कर लिया जाएगा तो बाकी स्थानों पर इसकी ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है, ये अनुभव हम सबको आ रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार ने अब ये कहा है, क्या डिस्कनेक्ट तो नहीं चल रहा है, केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस अब आई है कि अब हमने जोनिंग बदल दी है। जोनिंग यानी पहले रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की जो बात थी, अब ये जोनिंग हो गई है कंटेनमेंट एरिया की जोनिंग, जहां कंटेनमेंट एरिया, जहां मरीज कोई आया है, जहां पॉजिटिव आया है उसके आसपास के क्षेत्र में। मुकेश जी आवाज आ रही है? मुकेश जी आवाज आ रही है? आवाज कटी है भाई, देखो मुकेश जी आवाज आ रही है? इस काल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को तो कंट्रोल करने के जो प्रयास कर रहे हैं वो कर लें, लेकिन क्योंकि संक्रमण ऐसा है जिससे अमेरिका, इटली, फ्रांस, स्पेन सारे घबराए हुए हैं, तो घबराहट भी थोड़ी सी बाकी रहनी चाहिए, खासतौर से हमारी सरकारों में, कि